गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। टुडे आई विल टीच यू द लेसन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट द मेंसुरेशन साइकिल, मेनार्की, मेनोपॉज, ये सब आपको कुछ इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया गया व्हाट इज मेनार्की, व्हाट इज मेनोपॉज, तो आप जानते हैं कि मेनार्की जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, मेनार्की लास्ट मेंस्ट्रुएशन नियर अबाउट इन द एज ऑफ 50 ईयर्स, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। और इस तरीके से आपने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन भी मैंने पढ़ाया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन आप पढ़ा, ठीक। इम्प्लांटेशन व्हेन जायगोट बिकम्स 8 to 12 सेल्स, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर, ठीक है। द यूटेरस वाल आल्सो डिवाइड एंड सराउंड द जायगोट, सराउंड जायगोट जॉइंटेड विथ एक टिश्यू जोड़ता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है, जो एम्ब्रियो और यूटरस को जोड़ता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यूटरस के बीच में ट्यूब बनती है, ठीक है, उसी ट्यूब से एम्ब्रियो को फूड सप्लाई किया जाता है, ठीक है। आगे आप आज टॉपिक पढ़ेंगे और उस ट्यूब को क्या कहते हैं, अम्बेलिकल कार्ड। और इस तरह से जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, दैट इज लीड्स टू प्रेगनेंसी, इसी को प्रेगनेंसी कहा जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्रेगनेंसी आप समझिए, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन टोफोब्लास्ट जो सेल होती है जायगोट की आउटर लेयर, आफ्टर इम्प्लांटेशन कॉल्ड द क्रोनिक विलाई, उसको क्रोनिक विलाई कहते हैं, ठीक है। जो टोफोब्लास्ट सेल निकलती है, टोफोब्लास्ट से एक अंकुर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, उसको क्रोनिक विलाई कहते हैं। दैट अलोंग विद यूटराइन वॉल फॉर्म फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, जो यूटेरस और उसको बीच में एक बॉडी बनाता है, फंक्शनल यूनिट बनाता है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा इज अटैच्ड विथ फीटस विथ एन अम्बेलिकल, एक नली से जुड़ा रहता है एम्ब्रियो यूटेरस से एक ट्यूब से नली से जुड़ता है जिसको अम्बेलिकल कार्ड कहते हैं, ठीक। इसमें बहुत से हार्मोन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट काम करते हैं। नंबर एक कौन हार्मोन, SCG ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, एंड रिलैक्सेन, ई ओनली प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से निकलता है, ठीक है। तो SCG और HPL, ठीक है। दूसरा है, और आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास जो होता है डिफरेंशिएट्स तीन लेयर में, मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। और इस तरह से ये तीनों लेयर से, ठीक है, इन्हीं से टिश्यू बन जाते हैं और टिश्यू से आर्गन और आर्गन से फिर बॉडी बन जाती है, ठीक है। इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। और सेकंड मंथ में लिम्ब एंड फर्स्ट, पहले इन वुमन आफ्टर वन मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोज हार्ट स्पर्म, सबसे पहले एम्ब्रियो का हार्ट बनता है, नंबर एक। और इन द एंड ऑफ सेकंड मंथ दूसरे महीने में लिम्ब्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म, ठीक है, फिर हाथ और पैर बनते हैं, ठीक है। और 12 मंथ एंड द एंड ऑफ बाय द एंड ऑफ 12 मंथ्स मेजर ऑर्गन्स, ठीक है, एंड एक्सटर्नल ऑर्गन आर विल डेवलप। ये 12 मंथ नहीं होना चाहिए, ये 12 वीक होना चाहिए, गलत लिखा है। मेजर ऑर्गन्स जो होते हैं सब बन जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व्ड 5 मंथ्स, पहला जो द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व्ड इन 5 महीने में फीटस का मूवमेंट पता चलता है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स बॉडी इज कवर्ड विथ ए फाइन हेयर आई लिट, ठीक है, बॉडी जो होती है
फाइन हेयर हेयर्स लग जाती है, आई लिड आ जाते हैं, आई लेस आ जाते हैं, भाव जिसको कहते हैं आर फार एट द एंड ऑफ 9 months फीटस इज फुली डेवलप। फीटस जो होता है 9 महीने में पूरा डेवलप हो जाता है। आगे आता है पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। पार्ट्यूरेशन मैंने द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। ठीक है, जो फुली डेवलप्ड फीटस जो होता है बाहर आता है उसको पार्ट्यूरेशन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स निकलता है। सिग्नल फॉर पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एट प्लेसेंटा। फीटर और प्लेसेंटा दोनों से एक सिग्नल निकलता है, संकेत इंड्यूसिंग माइल्ड यूटराइन कंट्रैक्शन। इससे यूटरस जो होता है सिकुड़ता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है, फीटस को बाहर निकालने के लिए ये रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। अरे चादर भी और इस तरह से इसका ट्रिगर जो है ऑक्सीटोसिन है जो होता है रिलीज होता है पिट्यूटरी से, जो उसका ट्रिगर का काम करता है। ठीक, अब आता है दूसरा प्रश्न, व्हाट इज लैक्टेशन। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, जो मिल्क निकलने लगता है टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी के अंत में बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, उसी को हम लैक्टेशन कहते हैं। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है, व्हाट डू मिल्क कोलोस्ट्रम व्हिच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडी। ये जो मदर का मिल्क होता है कुछ दिन तक, लगभग 1 महीने तक, ये दूध इतना इसमें एंटीबॉडीज होते हैं कि कई बच्चों को जो डिजीज होती है उससे लड़ने की बहुत पूरे जीवन में क्षमता देती है। ठीक है, हाँ, तो व्हाट इज कोलोस्ट्रम। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, शुरुआत के कुछ दिनों तक ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम व्हिच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज, जिसमें बहुत सी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ठीक, ये काम ये आपका कोलेस्ट्रॉल रहा। ठीक, तो इस तरह से आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें सब पढ़ी। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल रहा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, आई विल टीच यू द नेक्स्ट डे। परेशान हूँ थोड़ा यार। भाई क्या हो गया? भाई मेरा गेमिंग का सपना पूरा नहीं हो पा रहा यार। ऐसा क्यों भाई? मेरी